जी हाँ, लाइव वीडियो में फिर से आप भी आ गए हैं। नेटवर्क की खराबी के कारण आपको कुछ वीडियो नहीं दिखा पाए, पर फिर भी अभी नमाज शुरू होने वाली है और लोग पंक्तिबद्ध हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कितने अनुशासित तरीके से लोग जो है यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है और कितना अनुशासन इनके बीच में। जो सीखने वाली बात है वो मैं आपको बोलूंगा कि अगर कुछ सीखना है, मुसलमानों से कुछ सीखना है, तो उनका अनुशासन सीखिए। हमारे बीच में दैनिक भास्कर के पत्रकार साहब भी मौजूद है, रूपेश भैया, और यहाँ से देखिए आपके लिए कितनी ऊंचाई पर आकर के फोटो खींच कर आप तक पहुंचा रहे, कितना मेहनत कर रहे भैया। और कल के अखबारों में तो आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव वीडियो के माध्यम से जो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर जिंदगी में कुछ चाहिए तो आपको अनुशासित होना पड़ेगा। आपको कुछ चाहिए तो रोजा रमजान का जो ये पवित्र महीना गुजरा है, इसमें जो दुख तकलीफ झेलनी पड़ती है, सुबह से जो रात शाम तक जो है दुख तकलीफ, बिना पानी पिए, बिना खाना खाए, जिस तरह से अपने इष्ट देव के मान सम्मान में उनके पर विश्वास करने के लिए जो लोग ये जो रोजा रमजान का एक महीना गुजारते हैं, ये सीखिए। मुसलमानों से जो सीखने वाली बात है वो ये है कि कैसे हम अपनी बड़ी से बड़ी भीड़ भी अपने जरिए, अपने लोगों के मन और विश्वास और साहस के जरिए जमा कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ 10 बजे का ये टाइम है और 10 बजे जो है यहाँ पे इतनी बड़ी भीड़ है। 12 बजे के आसपास आप देखेंगे कि सब लोग अपने अपने घरों की तरफ चले गए, कहीं कोई अप्रिय घटना की भी कोई संभावना नहीं है। बहुत कम नगण्य पुलिस बल हमने देखा है, नहीं तो छोटे मोटे ड्रामे में भी कम से कम 2-4 रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ियां तो जरूर लग जाती है। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूँ जहाँ की लोकल प्रशासन, जो हमारे यहाँ लोकल प्रशासन है, SDM है, SDO है, ये लोगों की गाड़ियां मौजूद हैं। कोई खास मतलब स्पेशल गाड़ियां नहीं आई हैं। हो सकता है कि गाड़ियां थाने में हो कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना हो तो उसको संभालने के लिए मौजूद हो, पर यहाँ पे जहाँ स्थल है यहाँ पे नहीं है। तो ये बता रहा है कि लोग कितने अनुशासित रहते हैं हमेशा, और 2-4 अफवाह फैलाने वाले गलत लोग हमेशा ऐसी भीड़ों का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए मैं ये उम्मीद करूंगा, ये जो रोजा रमजान का महीना है, अब क्योंकि नमाज शुरू हो चुकी है, इसलिए मैं अपनी बातों को रोक रहा हूँ, आप नमाज का आनंद लें। भैया इधर आइए, ऊपर। हेलो हेलो, ऊपर ऊपर आइए, छत के ऊपर है। लाइव वीडियो चल रहा है। हेलो, लाइव वीडियो चल रहा है भैया। बोले जोर जोर से नहीं बोलिए, मैक में वहाँ डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, ओके ओके ओके। इतना स्पीकर लगा है, मेरा आवाज इतना जोर से जा रहा है नीचे, क्या बात है, दम है नहीं।
नमस्कार तुम नमाज अब खत्म हो गई है। अब लोग दुआ मांग रहे हैं और जिन लोगों को दुआ मांगना है वो लोग अपने दुआ मांग रहे हैं। जो नमाज थी वो खत्म हो चुकी है। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा कि धार्मिक आयोजनों में किस तरह से जो है क्यों लोग ज़्यादा शिरकत करते हैं और इन आयोजनों में खर्च जो होता है वो बिल्कुल नगण्य मात्रा में होता है, क्योंकि लोगों को धर्म के प्रति ज़्यादा विश्वास होता है। अगर आप इस तरह के राजनीतिक आयोजन करेंगे तो राजनीतिक आयोजन में आपको करोड़ों रुपया खर्च हो जाएगा, फिर भी शायद मनचाहा फल नहीं मिलेगा। लेकिन जब धार्मिक आयोजन होता है तो ऐसे समय का कई लोग अच्छा लाभ उठाते हैं, इसलिए कई लोग धर्म की राजनीति करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीर, फारबिसगंज के ईदगाह मैदान में जमा हुए मुस्लिम धर्म के अनुयायी रोजा रमजान का पवित्र ऐसा नजारा, ये फारबिसगंज का सिर्फ नजारा है। ऐसे नजारे आपको इस जिले के सैकड़ों स्थलों पर मिलेंगे, जहाँ पूरे अब सब लोग डिस्कस हो रहे हैं, सब लोग निकल रहे हैं। अब समय आया है, अब बहुत सारे लोगों के साथ हम आपको मिलाएंगे, बहुत सारे लोगों के संदेशों को सुनाएंगे। पता नहीं जो लोग मिलेंगे उनके संदेशों को मैं आपको पहुंचाने का कोशिश करूंगा। इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल है। इसको रोक करके मैं फिर से आपके बीच में लाइव आता हूं। Thank you.